प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, में चलो। अब मैंने लिख दिया मान लो यहां 15%, क्या लिखा 15%। अब इस 15% को मुझे भिन्न में बदलना है, किसमें बदलना है, भिन्न में। मैं इसको कैसे बदलूंगा बताओ, इसे मुझे भिन्न में बदलना है तो क्या तरीका भिन्न में बदलने का, कौन बताएगा मुझे कि सर इसको अपन इस तरीके से बदलेंगे सर भिन्न में, कौन बताएगा मुझे भिन्न में बदलने का तरीका क्या है इसका है? 15% को मुझे भिन्न में बदलना है, 15% को भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे भिन्न में, क्या तरीका है इसका, 15 को प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा, नीचे 100, 15/100 तो 15 और 100 किस पहाड़े में आते हैं, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, 5 × 5 = 15, 5 × 10 0 × 0 और ये हो गया 3/20, ये भिन्न बन गए। देखो प्रतिशत को किसने बदल दिया, मैंने भिन्न बदल दिया, प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया। अब जैसे कि 20%, ये 20% है ना, अब ये 20% है, इसको मुझे भिन्न बदलना है, 20% को मुझे भिन्न में बदलना है तो ये 20 और प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 20 × 20, 20 × 5 = 100, 1/5 है ना, समझ आई बात, समझे कि नहीं। अच्छा अब यदि हमारे पास होता, मान लो हमारे पास होता 2.5%, 2.5%, इसको मुझे भिन्न में बदलना है, 2.5% को मुझे भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलूंगा बताओ, 2.5% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना लगेगा, 100 लगेगा ना, प्रतिशत हटेगा तो 0, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 लग गया, 100 प्रतिशत हट गया नीचे 100 आ गया। अब ये दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा, एक अंक के तो 1 0 आ गई ना। अब ये क्या हो गया आपका 25/1000, 25/1000, तो अब 25 और 1000 किस पहाड़े में आते हैं बताओ, 25 × 1000, 25 × 100, 25 × 100 और ये 0 बच गई मुझे, तो उत्तर आ गया 1/40। तो ये देखो 2.5% को मैंने भिन्न बदला, 2.5% मतलब 1/40, 2.5% को मैंने भिन्न में आपके सामने बदल के दिखाया। इसी प्रकार 3.5 को मुझे प्रतिशत को 3.5% को मुझे भिन्न में बदलना है। अब भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखो आप ये 3.5 प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, सबको बात समझ में आ गई। अब दशमलव उड़ेगा, ये दशमलव उड़ाया, दशमलव के बाद में एक डिजिट है तो 1 0, अगर एक और अंक होता तो 2 0, एक और होता तो एक और, चलो ये दशमलव फुर करके उड़ गया। अब एक अंक ऊपर कितना रह गया, 35, वो नीचे कितना आ गया, 1000, वो 35 और 1000 किस टेबल में आते हैं, 35 और 1000 कौन से किसके टेबल में आते हैं, किसका टेबल है जिसमें 35 और 1000 दोनों आते हैं, पांच का, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 1 × 2 = कितना, 7/200 उत्तर आ गया, 7/200 हमारा उत्तर आ गया भैया। चलो अब यदि हमारे पास होता
50%, कितना होता है 50%, 50% को हमें भिन्न, ये 50% को हमें भिन्न बदलना है, 50% को मुझे भिन्न में दर्शाना है। भिन्न में कैसे दर्शाऊंगा, देखो ये 50% हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 50 और 100 कौन से टेबल में आते हैं, 50 के टेबल में, 50 के टेबल में आती करें, 50 एकम 50, 50 गुना 100, 1/9, ठीक है ना। चलो अब मेरे पास मान लो 100% होता, 100% को भिन्न में लिखो, 100% 100% को भिन्न में कैसे लिखेंगे, 100% को भिन्न में कैसे लिखा जाएगा, वेरी सिंपल, 100% हटेगा तो नीचे फिर 100, और 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया भैया, एक आ गया कि नहीं आ गया, एक उत्तर आ गया है ना। और एक के नीचे एक रहता ही, चाहे लिखो या मत लिखो, 1/1 अंश और हर, बात समझ में आ रही है मेरी बात, ऐसा कोई है जिसको प्रतिशत को भिन्न में बदलने में दिक्कत आती है कि सर प्रतिशत को भिन्न बदलना है, सर बहुत दिक्कत आती है सर, अब आप तो क्या है कर लेते हैं सर, हमको तो नहीं आता सर, इतना समझ में नहीं आता है सर, आपने तो 1 दशमलव वाला बताया, कभी दशमलव के बाद 2 डिजिट हो तो 6.25 हो तो फिर क्या करेंगे, मान लो कभी ऐसा सवाल आ गया 6.25% हो और इसको हमें दर्शाना है भिन्न में, तो अब हम कैसे दर्शाएंगे, वेरी सिंपल, 6.25% हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100% हटेगा तो नीचे 100 आना ही है, गलत बात की सही बात, सही। और ये दशमलव उड़ गया तो दशमलव उड़ेगा, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, तो 2 जीरो और आ गई कि नहीं आ गई, अब ऊपर कितना रह गया 625, और नीचे कितना हो गया 10,000, कितने हो गए 10,000 हो गए। अब देखो भैया ये किससे कटेंगे, ये है 25 से कट रहे हैं, देखो आप 25 दुना 50 बचेंगे 12, 62 में से 50 गए तो 12 इसको दिए तो 125, 25 पंजे 125, और 25 चौक 100, 2 जीरो बच गई, फिर 25 एकम 25, 40 में से 25 गए तो 15 इसको दिए 25 150, 1/16 होता, कठिन था क्या ये, किसी को लग रहा है कि नहीं सर कठिन है, सर ये है सरल है, भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलना सरल है कि कठिन है, सब कर लेंगे इस टाइप के प्रश्न,